भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। तो हमारे एक फ्रेंड ने पूछा है कि जेन योगा में बुद्धि कहाँ स्टैंड करती है। अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या है, अपने आप में मेरे हिसाब से बेकार क्वेश्चन है। इसमें बेकार में क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं तो जानना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट जब आप एक जगह पर कोई चीज़ समझ चुके हैं और उसको आप दूसरी जगह पर ठोसने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये बेकार क्वेश्चन हो जाता है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन तभी तक जानदार होता है, तभी तक हेल्पफुल होता है, जब तक वो आपको कुछ हेल्प करता है करने में। मेरी लाइफ में जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, जब मैंने भगवद गीता पढ़ी थी, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी नहीं आई थी जानने के लिए कि मुझे क्या करना है। मैंने पढ़ा कृष्ण ने कहा है कि भाई शरीर के परे इंद्रियां हैं, शरीर मतलब फिजिकल बॉडी पूरी की पूरी, और इंद्रियां जो है पांचों इंद्रियों को हम लोग इंद्रियां बोलते हैं, इसके भी परे मन है। मन ठीक है, मन भी मैं समझ गया, मन मतलब माइंड या थॉट्स कह सकते हैं, और थॉट्स के भी परे इंटेलिजेंस है, तो ठीक है इंटेलिजेंस भी हम सब जानते हैं, थॉट्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ें इंटेलिजेंट होती हैं, और उसके परे आत्मा होती है, उसके तो हम जानते ही नहीं क्या होता है। तो अल्टीमेटली मैंने जान लिया और उससे मेरा कुछ बहुत लाभ नहीं हुआ। बट जब मैं जेन योगा पढ़ने आया तब मुझे समझ में आया मेरी प्रॉब्लम क्या है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। फिजिकल बॉडी तो अपने आप में अगर नहीं है तो हम मरे हुए हैं, हम तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम। उसके बाद आती है इंद्रियां, हमारी इंद्रियां भी हमको कम से कम बेसिक सर्वाइवल तो देती हैं। अगर मेरी आँख नहीं काम कर रही कायदे से तो मैं देख नहीं पाऊँगा, अगर मेरी ज़ुबान काम नहीं करी तो मैं ऐसा वैसा कुछ खा लूँगा कि मैं मर जाऊँगा। कान से मतलब ये फाइव सेंसेस हमको चाहिए, तो इसलिए शरीर को सर्वाइव कराती है इंद्रियाँ, और इंद्रियों के बाद आती है हमारा मन जिसको कह सकते हैं थॉट्स। अब थॉट्स में ही सारा चक्कर है, जो कन्फ्यूजन है, जो मुझे पहले इसको गीता को पढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कन्फ्यूज्ड हूँ। यू शुड बी कन्फ्यूज्ड एट राइट प्लेसेस, जो मैं नहीं था। थॉट्स सबके सब मासूम और अच्छे लगते, अमिताभ बच्चन जी को देखो, उनकी फिल्में देखो, अच्छी लगती है। कहीं पर कोई अच्छी किताब पढ़ो, जैसे मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ कैंसर के ऊपर, बहुत ही अच्छी बुक है, इट्स वेरी गुड राइटर, वो भी अच्छी लगती है, बट वो इतनी मज़ेदार नहीं लगती जितनी एक फिल्म को देखने में मज़ा आता है। तो थॉट्स में दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो मूवी देखना या इस किताब को पढ़ना, कि उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बुद्धि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि बुद्धि क्या होती है, मेन क्वेश्चन आज का ही है। कभी आपके मन में क्वेश्चन उठा है कि इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या होती है? इस भगवद गीता को पढ़ने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया था कि बुद्धि कुछ और होती है। मुझे लगता था हमारे मन में जो थॉट्स होते हैं वही बुद्धि होती है, और जितने लोग हैं वो एग्ज़ाम वगैरह दे करके ये बोल देते हैं कि इसके पास ज़्यादा बुद्धि है, इसके पास कम बुद्धि है, जिसको इम्तिहान में अच्छा नंबर मिलता है उसको ज़्यादा बुद्धि मिलती है, जो ज़्यादा रैशनली ज़्यादा थॉट्स को इकट्ठा करके क्वेश्चंस के आंसर को प्रोड्यूस कर सकता है वो ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन ऐसा नहीं, बुद्धि में और मन में एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। मन जो है वो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, जहाँ कहीं पर भी इंद्रियाँ चाहती हैं वहाँ पर चला जाता है, बल्कि कहना चाहिए हमारा जो मन है दैट इज़ बेसिकली आवर इमोशंस। इसीलिए अगर मेरा मन से पूछूंगा तो मुझे एक फिल्म देखने का ज़्यादा मन करेगा बजाय एक किताब पढ़ने। लेकिन ये जो बुद्धि है वो इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट बेड लेटा हुआ है और पेशेंट को पेट में बहुत सीवियर पेन है और मेरे पास उम्मीद कर रहा है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे पेट में आप अल्ट्रासाउंड करिए, मुझे बता दीजिए क्या परेशानी ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। उस समय मैं किसकी हेल्प लूँगा? मैं अपने मन की हेल्प लूँगा कि मैं देखूँगा कि मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पेशेंट को देखने का? पेशेंट जिस समय परेशान होता है ना, उस समय आप भी बहुत परेशान हो जाते हैं, चीखता है पेशेंट, चिल्लाता है, वो आपसे बड़ी उम्मीद करके आता है। मुझे याद है फर्स्ट ईयर MBBS में हम लोग जब जाते थे OT वगैरह में या ट्रोमा सेंटर में जाते थे, हम लोगों को दिक्कत हो जाती थी, मुझे लगता था वहाँ से हटो क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते, बड़ी उम्मीद के साथ लोग आपको देखते हैं, डॉक्टर साहब जान बचा लो हमारी। तो मन नहीं करता है वहाँ जाने का, तो जहाँ जाने का मन ही नहीं करेगा आप वहाँ पर मन की हेल्प लेकर के क्या हेल्प करने की कोशिश करोगे? तो जब पेशेंट मेरे बेड पर लेटा है मैं उसकी मदद किस चीज़ से करूँगा? अपने मन से करूँगा, मतलब अपने इमोशन से करूँगा, या अपनी बुद्धि से करूँगा? और बुद्धि कैसे आएगी? अगर मैंने प्रोब रखा और मुझे कुछ काला काला सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे पता ही नहीं है क्या है वो, तो मैं क्या किस चीज़ का हेल्प कर पाऊँगा? तो बुद्धि वो चीज़ होती है जिसको पता होता है क्या सही है या क्या एग्जैक्टली है प्रॉब्लम। और बुद्धि डेवलप कैसे होती है, इस ये सवाल आपको पूछना चाहिए। इसको जेन योगा में कहा जाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में और इमोशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इंटेलिजेंस हमारे इमोशन से
बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब उस दिन मुझे पता चला, जब पहली बार के मैं जो कुछ भी करता रहा हूँ पिछले 20 साल से 22 साल से, वो सब का सब मेरे मन की चीज़ें करता रहा हूँ, चाहे पढ़ाई भी करूँ, चाहे मैं नौकरी करने की कोशिश करूँ, किसी से बात करूँ, कुछ पढ़ूँ, वो सब का सब मेरे मन की चीज़ें करता था, इंटेलिजेंस की चीज़ें नहीं करता था। इंटेलिजेंस क्या होती है? वो चीज़ जो सही और गलत का डिफरेंस दिखा देती है। एक पेशेंट के ऊपर मैंने प्रोब रखा और देखा मैंने कि यस, इसको तो स्टोन लग रहा है। ऑब्वियसली इसके लिए मैंने पढ़ा है। इसके लिए इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए होता है। रिफ्लेक्शन समझते हैं? आप मेरे पास आए, मैंने पूछा आपसे क्यों कल कहाँ थे, आप मुंडी नीचे करके कुछ कुछ बहाना बना दिया। मैंने आपके पेरेंट्स को फ़ोन किया कि कल आप लोग शादी पे गए थे, तो मुझसे बोला था शादी पे गए थे, तो नहीं हम तो नहीं गए थे। अच्छा आने तो बताता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया आपको डील करने का। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आप यहाँ आए और मैंने आपसे पूछा, आपने अवॉइड कर दिया, और मैं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या पूरा का पूरा, आपका नेचर कैसा है, आप यहाँ आपने अगर झूठ बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आना पसंद नहीं करते हो, तो उसके पीछे वजह क्या है। इंटेलिजेंस का एक और एक ही मदर है और वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप के अंदर मनन करना, सिचुएशन को फिर से लेकर आना और उसको अनबायस्ड होकर के एक विटनेस की तरह देखना कि वहाँ क्या हुआ। जज करते हैं वो क्या करते हैं, वो अनबायस्ड होकर के दोनों पार्टीज की बात सुनते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसमें से क्या होना चाहिए, क्या जजमेंट होना चाहिए। हम भी अपने अंदर में अगर ये करना शुरू कर दें, मुझे याद है उस दिन के बाद से मैंने पहली बार रिफ्लेक्शन करना शुरू किया अपने सारी एक्टिविटीज़ का। मैं किससे मिलता हूँ, मुझे याद है मैं कुछ हमारे फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलकर के मैं स्कूल चलाया करता था। फिर मैंने जब रिफ्लेक्ट करना शुरू किया तो आई रियलाइज्ड मैं स्कूल नहीं चलाता था, वहाँ जाकर खाली अपने आप को इंपॉर्टेंट फील कराया करता था। मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मैंने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल खोला है, तो मेरे से सारे के सारे लोग कम पढ़ लिखे थे, सब मुझे बड़े रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते थे। पैसा रुपया बहुत नहीं कमाता था, लेकिन कम से कम एक खुशी तो थी, रिस्पेक्ट तो मिलती थी। एंड जब से वो प्रोसेस चालू हुआ अपने आप को ऑब्जर्व करने का, तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही थॉट्स के ऊपर एक टॉर्च लगा दी मैंने देखने के लिए। और जैसे ही आप थॉट्स के ऊपर टॉर्च लगाते हो तो यूजलेस थॉट्स खत्म हो जाते हैं, आपका मन डिसिप्लिन हो जाता है। किस चीज़ से? आपकी बुद्धि से। जब कृष्ण बोलते हैं कि बुद्धि मन से परे है, तो वो बोल रहे हैं अभी तुम्हारे थॉट्स, मतलब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो तुम्हारे थॉट्स को इधर उधर घुमा रहे हैं, तुमको पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन आता है तब तुम्हें मालूम पड़ता है किस तरफ जाना है। और बुद्धि के भी परे है आत्म। आत्म तो कोई वो स्टेट है जहाँ पर कोई थॉट ही नहीं होता, कोई सही गलत भी नहीं होता, वही अपने आप में सही स्टेट होती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट, और वहाँ से सब कुछ क्रिएट होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि बुद्धि के परे आत्मा है, आत्मा को जानना है। एक बार आपको आत्मा पता चल गया तो ये सारे के सारे बच्चे एकदम सीधे लाइन में खड़े हो जाते हैं, अदरवाइज ये कन्फ्यूज होते हैं। अपने आप से जब कभी कन्फ्यूजन हो कि मन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धि, तो अपने आप से यही पूछिए कि जब डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मैं उससे क्या बोलूँगा, साहब अपने मन से मेरा इलाज करिए कि अपनी बुद्धि से मेरा इलाज करिए। एक अगर एक क्वेश्चन आपने पूछा, ऐसे ही अपने बारे में पूछिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने आप से ही पूछिए कि मैं मन से पढ़ाई करूं कि बुद्धि से पढ़ाई करूं, और इस पढ़ाई का रिजल्ट क्या होने वाला है। मेडिकल का एग्जांपल इसलिए लेकर आ रहा हूं बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट। आप कभी भी नहीं चाहते कोई मन से काम करे। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि भाई पूरा दिल से लगाकर काम करो, बट यू शुड बी इंटेलिजेंट। एक बेवकूफ़ आदमी मन से काम करेगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, मरीज की हालत क्या होगी। बेकार फिल्म चलता है, बेकार फोन बना दीजिए चलता है, हालांकि उसमें भी खत्म हो जाएगा। कुछ भी बेकार करिए वो बिना बुद्धि के इस्तेमाल की चीज़ है। जो चीज़ बेकार होती है बिना बुद्धि की होती है। लोग कहते हैं कि मन से काम करो, बट अकॉर्डिंग टू मी बुद्धि इज मच मोर इंटेलिजेंट। फिर वो मन को भी अपने हिसाब से ढाल ले जाती है। आज मेरा मन वो सब करता है जो मेरी बुद्धि करती है, जस्ट फॉलोज। बुद्धि को अगर आपने मालिक बना दिया तो उसको लगाम में लगा लेती है, और अगर आपने मन को छोड़ा कि तुम मालिक हो, तो बुद्धि कभी डेवलप नहीं होती। बुद्धि बोलती है भैया मैं जानती हूँ, तुम अपना जाओ जो करना है करो, बिकॉज बुद्धि इज़ मच मोर इंटेलिजेंट। और वो खाली हमारे ब्रेन में नहीं होती, वो पूरी इंटेलिजेंस पूरी समाज में, पूरी ब्रह्मांड में है। नेचर की फोर्सेस उसी बुद्धि को फॉलो करती हैं, लॉज हैं जो हमको उन हमारी जो बुद्धि काम करती है वो नेचर के फोर्सेस को ही तो यूज़ करती है। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी चीज़ को सोचते हैं, तो वी आर एक्चुअली यूजिंग द फोर्स इन आवर माइंड। एक वैक्यूम है, थॉट्स के बीच में एक स्पेस है जो एक्चुअली बुद्धि है, और उसी को यूज़ करके हम नेचर के लॉज को समझते हैं, बायोलॉजी को समझते हैं, प्लांट्स को समझते हैं, एनिमल्स को समझते हैं, उसी में से दवाइयाँ खोज खोज के निकालते हैं। सो यू कांट कंपेयर बुद्धि विथ मन, बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों हमारे अंदर है, इसलिए हम लोगों को दोनों को समझना होता। तो आपकी बुद्धि क्या बोलती है? इस वीडियो को किसी को शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थैंक यू, नमस्कार। इस समय हमारे कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूं। ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स, इन दोनों को अगर पैकेज में आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपको।
अगर डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हैं किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग, तो मीडियम ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस को कोर से समझने के लिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप WBX ज्वाइन करें, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े चैनल्स बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, अपना सारा इकट्ठा करके पैसा लगा देंगे और वो सब रिस्की मामला है। लेकिन अगर आप WBX ज्वाइन करते हैं तो आपका पैसा पहले सेव रहेगा। वॉरेन बफेट की चीज़ें हम बताते हैं आपको सबसे पहले। वॉरेन बफेट कहते हैं जो भी पैसा तुम्हारे पास है पहले उसको सेव कर लो, उसके बाद कमाने की सोचो। वो फिलॉसफी के साथ सबसे पहले कोर में समझिए WBX क्या है। लिमिटलेस में आपको रिलेशनशिप सीखने को मिलेगा और SPMT में आपको पेरेंटिंग सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल वेट मत करिए, अभी ये नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप पर, आप मैसेज करिए और इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए। सारे के सारे कोर्सेज अगर कंबाइंड करके आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। और आज भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए, मौका मिस मत करिए। थैंक यू सो मच।